छात्रों बही खाता लेखा कर्म कक्षा 12वीं के अंतर्गत अध्याय 7 में हम अंश पूंजी लेखों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो जैसा कि हमने बताया कि एक कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे भागों में अंशों के रूप में विभाजित होती है, और ये अंश पत्र जिनके पास होते हैं वो कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं। अब अंशों का जब निर्गमन होता है कंपनी के प्रविवरण के अनुसार, जो है अंशों का निर्गमन आम जनता के बीच अंशों को खरीदने के लिए किया जाता है, तो अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया के अंतर्गत अंश पूंजी को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कंपनी प्रविवरण जारी करती है। प्रविवरण में दी गई सूचनाओं के आधार पर आवेदक संलग्न आवेदन में जानकारी भरकर निर्धारित धनराशि के माध्यम से बैंक के माध्यम से जमा करती है। इस आवेदन पर दी जाने वाली राशि को हम आवेदन राशि कहते हैं। अर्थात एक कंपनी जब अपने अंश पत्रों को बाजार में जारी करती है और आम जनता जब उन आवेदन पत्र को भरकर और निर्धारित जो शुल्क है आवेदन शुल्क है वो कंपनी के लिए बैंक के माध्यम से जमा करती है तो वो कहलाती है आवेदन राशि। तो पूर्व में भी बताया था हमने कि अंशों की जो राशि है, अंशों की राशि वो चार भागों में ली जाती है। नंबर पहला आवेदन पर, दूसरा आवंटन, और तीसरा जो है प्रथम याचना, और जो चौथा है वो अंतिम याचना। अर्थात यहाँ पर जो अंश पत्र की जो राशि है वो चार भागों में बटी होती है। आवेदन के रूप में प्राप्त की जाती है, उसके पश्चात जब आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो जिनको आवंटित किया जाते हैं अंश उनसे आवंटन की राशि ली जाती है, और फिर बची हुई जो 50% राशि है वो प्रथम याचना और अंतिम याचना के रूप में प्राप्त की जाती है। तो पहली प्रक्रिया जो यहाँ हो जाती है वो है आवेदन पत्र की, उसके माध्यम से आवेदन राशि प्राप्त हो जाती है, जिसकी हमने अभी पिछले अध्याय में जनरल प्रविष्टि आपको बताई हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा जो है अंशों का आवंटन। अब प्राप्त आवेदन जो कंपनी के पास हैं उन आवेदनों की वो स्क्रूटनी करने के उपरांत किन किन लोगों को अंशों का आवंटन करना है, अर्थात किन किन लोगों को सदस्यता प्रदान करना है, अंश पत्र प्रदान करना है, तो वो कहलाता है अंशों का आवंटन। तो अंशों के आवेदन प्राप्ति उपरांत कंपनी को प्राप्त अंश पत्र आवेदकों को उनके निश्चित मूल्य पर आवेदकों के मध्य बांटना है। तो आवंटन क्या है, जो अंश पत्र के आवेदन प्राप्त हुए हैं उन प्राप्त आवेदनों में से किन किन को अंशों का आवंटन किया जाना है, बंटन किया जाना है, वो आवेदकों के बीच बांटना। फिर तीसरी प्रक्रिया जो आ जाती है वो अंशों पर याचना, जो हमने आपको बताई प्रथम याचना और अंतिम याचना। अंशों का आवंटन कर दिया गया तो आवंटन के पश्चात जो बची हुई शेष राशि है अंश पत्र की वो राशि को मंगाना जो है वो कहलाता है याचना राशि। अर्थात अंशों को आवंटित करने के बाद जो शेष राशि अंशों की बची रह जाती है उस राशि को वापस प्राप्त करना, मंगाना, अंशों पर याचना करना कहलाता है। अब अंशों के आवंटन के पश्चात कंपनी कभी भी अंशों की बकाया राशि की मांग कर सकती है। अब हमने यहाँ पर आवंटित कर दिए अंश और जो बचे हुए राशि है वो हम कभी भी उनसे प्रथम याचना, द्वितीय याचना या तृतीय याचना के रूप में या अंतिम याचना के रूप में मंगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंशों का जो निर्गमन की जो प्रक्रिया है वो जब एक कंपनी अंश पत्रों को बाजार में प्रविवरण के माध्यम से जारी करती है तो आवेदन से के माध्यम से आवेदन की राशि प्राप्त होती है, फिर उन आवेदनों को जो है स्क्रूटनी करने के उपरांत उनका आवंटन करती है, और आवंटन के पश्चात जो है शेष राशि जो है प्रथम याचना और अंतिम याचना के रूप में वो प्राप्त करती है। तो ये प्रक्रिया जो है अंश पत्रों की है। इसके बाद हम यहाँ पर से संबंधित सवाल देखेंगे। कौशल लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश जारी किए कि एक अंश पत्र की कीमत 10 रुपये है, जो कि संख्या कितनी, क्वांटिटी 10,000। इस संबंध में प्रति अंश आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 4 रुपये एवं 4 रुपये प्रथम एवं अंतिम याचना पर एक साथ दिए। तो इस प्रकार से 4, 2, 6 और 4, 10 टोटल 10 रुपये कीमत यहाँ पर हो गई, 10 रुपये अंश पत्र की कीमत, अंश पत्र की कीमत।
यहाँ प्रति अंश जो है 10 रुपये। तो अभी आम जनरल प्रविष्टि करेंगे, देखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 × 2, 2 रुपये जो है ये काय का है, आवेदन का, आवेदन 2 रुपये प्रति अंश आवेदन पर। तो टोटल अंश कितने हैं, 10,000 अंश, तो राशि हो गई टोटल 20,000 रुपये। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 × 2, 20,000 रुपये, अर्थात बैंक खाते में यहाँ पर जो है 20,000 रुपये आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त हुए। अब इस प्राप्त आवेदन राशि को जो है वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट अंश पूंजी खाता, ये हो गया अंश पूंजी खाता, और ये हो गया अंश आवेदन, अंश आवेदन। तो अंश आवेदन खाता डेबिट टू अंश पूंजी खाता। तो ये प्रथम प्रविष्टि कौन सी हो गई, आवेदन से संबंधित। अब इसके बाद आवंटन और याचना के बारे में हम देखेंगे। अब यहां पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 4 रुपये, आवंटन पर राशि थी कितनी, 4 रुपये, आवंटन पर 4 रुपये। तो यहां पर 10,000 × 4, तो 40,000 रुपये जो है इनको यहां पर ड्यू होंगे। ये तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। विंग अलॉटमेंट मनी ड्यू देय होने पर, देय होने पर। अब यहां पर हमने ड्यू देखा दिया शेयर अलॉटमेंट आवंटन खाते से, यहां और क्लियर कर दूं, ये आवंटन, आवंटन खाते से डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये पैसा यहां पर प्राप्त हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, 4 रुपये आवंटन के हिसाब से जो है 40,000 रुपये ये प्राप्त हो गया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। विंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आवेदन यहां पर जो है आवंटन की राशि प्राप्त हो गई। ये हो गई तीसरी प्रक्रिया हो गई आपकी, ये तीसरी पोजीशन हो, दूसरी हो गई। अब तीसरी स्थिति यहां पर जो है फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल की कंबाइंड यहां पर हो गई। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसकी भी अमाउंट कितना है, 4 रुपये है। याचना पर, याचना पर 4 रुपये, 4 रुपये याचना, 4 रुपये आवंटन और 2 रुपये आपका एप्लीकेशन मनी पर हो चुका, तो टोटल हो गया 10 रुपये। तो यहां पर जो है शेयर फर्स्ट का एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 × 4, तो ये आ गया 40,000 रुपये। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 × 4, ये 40,000। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट में ये रकम आ गई 40,000 रुपये, और कहाँ से आई है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट से 40,000 रुपये। तो विंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ये यहाँ पर दे हो गई, दे होने पर, और ये प्राप्त होने पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कंपनी को जब अंश पत्र पर राशि प्राप्त होती है तो वो 4 भागों में प्राप्त होती है। पहला भाग जो है आवेदन के रूप में, दूसरा आवंटन के रूप में, और तीसरा और चौथा जो है वो याचना के रूप में प्राप्त होती है। एक और अगला सवाल यहाँ पर हम देखेंगे, एक कंपनी जो कि 5 लाख की अधिक पूंजी से प्रारंभ थी, वह 100 रुपये वाले 5,000 अंशों में, पर जो कंपनी की पूंजी है वो टोटल अधिकृत है वो 5 लाख रुपये, जो कि 100 रुपये वाले एक अंश पत्र की कीमत जो है वो 100 रुपये है। ये थोड़ा सा हटके सवाल है, यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 लाख की अधिकृत पूंजी से प्रारंभ थी और जो 100 रुपये वाले 5,000 अंशों में विभक्त थी, अर्थात 5,000 अंश × 100 रुपये बराबर 5 लाख रुपये वाली ये अंश पूंजी जो है इसकी अधिकृत पूंजी है। तो यहाँ पर जो विभक्त थे ये 20 रुपये आवेदन पर थे
₹40 आवंटन पर और शेष दो हैं दो समान याचना पर दे थे, मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे। अब यहां पर हम देखते हैं कि आवेदन पर जो राशि प्राप्त हुई बैंक अकाउंट 1000 × 20, 1000 अंश जनता को जारी किए थे, ₹20 आवेदन पत्र पर, तो ₹20,000 उनको यहाँ पर प्राप्त हो गए, बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स। तो यहाँ पर 1000 अंश पत्रों की जो है आवेदन राशि उनको प्राप्त हुई। वहीं दूसरा हम देखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर जो पूंजी प्राप्त हुई आवेदन की उसको जो है ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में, ये एक पोजिशन हो गई। अब यहाँ पर दूसरा जो है आवंटन का, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1000 × 40, तो यहाँ पर जो है आवंटन पर राशि थी ₹40 पर शेयर, तो ये ड्यू हो गई राशि 1000 अंशों के हिसाब से यहाँ पर 1000 × 40 रुपये, ये सॉरी यहाँ पर 1000 × 40। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट ये ₹40,000 ड्यू हो गए डे होने पर, और यहाँ पर बैंक अकाउंट में ये जो है रकम उसकी आ गई 1000 × 40, ₹40 के हिसाब से जो ₹40,000 जो है इनके बैंक खाते में यहाँ पर रकम आ गई। तो दो प्रविष्टि यहाँ पर हो गई, अंश आवेदन की राशि प्राप्त होने पर और दूसरा आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। इसके बाद हम शेयर फर्स्ट कॉल और यहाँ पर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो ये तीसरी स्थिति हो गई और ये चौथी स्थिति हो गई। यहाँ पर जो है ₹20 आवेदन पर हो गया, ₹40 आवंटन पर हो गया, अब बचा कितना ₹40। तो ₹40 को दो भागों में बांटा, शेयर फर्स्ट कॉल में ये ₹20 और यहाँ सेकंड कॉल में ये ₹20। इस प्रकार से 20 आवेदन पर, 40 आवंटन पर और 20 फर्स्ट कॉल और 20 सेकंड कॉल, इस प्रकार से टोटल शेयर अंश पत्र की जो राशि हो गई वो ₹100 हो गई। ₹20 आवेदन, ₹40 आवंटन और ₹20 फर्स्ट कॉल और ₹20 सेकंड कॉल। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि ये टोटल जो है अंश पत्र के आवेदन की राशि जो है वो ₹100 चार भागों में बटी थी, जिसमें से 20 आवेदन और 40 आवंटन पर हो चुके। अब यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल में जो है 1000 अंश पत्र जो जारी किए, तो ₹20 के हिसाब से फर्स्ट कॉल में ₹20,000 ये आ गए, ये यहाँ पर राशि देय होने पर फिर बैंक अकाउंट में ये रकम आ गई ₹20,000। और यहाँ पर शेयर सेकेंड कॉल में बचे हुए ₹20 जो हैं सेकेंड एंड फाइनल या लास्ट कॉल में जो है ये राशि हमने ड्यू दिखाई यहाँ पर डे होने पर, बैंक अकाउंट में फिर ये रकम आ गई, तो यहाँ पर ये आपकी जो है 1000 × 20, ये ₹20,000 की राशि यहाँ पर प्राप्त होगी। इस प्रकार से यहाँ पर अंश पूंजी की जो राशि है वो चार भागों में यहाँ पर कंपनी को प्राप्त हुई, आवेदन पर ₹20, आवंटन पर ₹40 के हिसाब से और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में ₹20 के हिसाब से प्राप्त। एक और अंतिम सवाल यहाँ हम देखते हैं कि एक कंपनी ₹100 वाले 12,000 अंश निर्गमित करती है, इन पर देय राशियां जो निम्न है ₹30 आवेदन पर, ₹40 आवंटन पर और ₹20 प्रथम मांग व अंतिम याचना पर। अब यहाँ पर 13,000 अंशों के लिए आवेदन आए, होता है कभी कभी कि जितने हमने आवेदन के हिसाब से सोचा था कि इतने अंश पत्र हमें चाहिए, तो यहाँ पर जरूरत से ज़्यादा जो है आवेदन उनके पास आ गए, तो ज़्यादा जो आ गए वो 1000 अंशों के आवेदन जो है ज़्यादा आए, 1000 अंश पत्र ज़्यादा आए, जिसमें से अब ये 1000 अंशों के आवेदन की राशि को हमने क्या किया वापस कर दिया और सभी अंशों पर राशि प्राप्त हुई। यहाँ पर जो है 100 अंशों पर प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि अप्राप्त, जो यहाँ पर 12,000 अंश निर्गमित किए थे, टोटल आवेदन आए 13,000 अंशों के,
तो ये 13,000 में से हमने 1,000 की राशि वापस कर दी, 12,000 का हम यहाँ पर हिसाब तैयार करेंगे। और उसमें से जो है जो 12,000 अंशों में से 100 अंशों पर प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि जो है वो हमें अप्राप्त। तो यहाँ सबसे पहले हम चलते हैं कि यहाँ पर 100 रुपये वाले जो हैं, यहाँ जो आवेदन की राशि है 13,000 × 30, 3,90,000 रुपये जो हैं आवेदन के खाते से आए, प्रति अंश 30 रुपये के हिसाब से प्राप्त की गई। अब इसकी जब हम पोस्टिंग करेंगे अंश आवेदन खाते में, चूंकि 12,000 अंश ही हमें जारी करना है, 12,000 लोगों को ही आवंटित करना है, तो हम सिर्फ उतने लोगों की राशि यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर 12,000 अंश पत्रों की राशि जो है वो 30 रुपये के हिसाब से ये हो गई 3,60,000 रुपये। यहाँ जो है आवेदन की राशि जो सीधे सीधे आ गई 3,90,000, क्योंकि 1,000 ज़्यादा आवेदन आ गए। अब यहाँ पर जब हम उसको अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे तो सिर्फ हम उतने ही अंश पत्रों की राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे जितने की हमने हमको अंश पत्रों का निर्गमन करना था। तो ये 3,60,000 हो गया और ये 3,90,000। अब यहाँ पर ये पहली पोजीशन थी, अब इसमें जो है अंश आवेदन खाता डेबिट, अब जो एक्स्ट्रा आ गए थे यहाँ पर जो है 1,000 × 30, ये जो है 1,000 अंश पत्रों के आवेदन की राशि हमने वापस की है 1,000 × 30, तो ये 30,000 रुपये जो है ये 1,000 अंशों पर आवेदन राशि रद्द करने पर, अर्थात इन 1,000 अंशों पर जो आवेदन राशि आई थी उसको हमने रद्द किया और उसकी राशि को हमने वापस कर दिया अंश आवेदन खाता डेबिट टू बैंक खाते। इसके बाद हम देखते हैं अब आवंटन की प्रक्रिया। नंबर 2, अंश आवंटन में अंश पत्र × 40, तो ये 12×48,000। बैंक खाते में जो है यहाँ पर 12,000 × 40, 4,80,000 आ गए। तो ये दूसरी प्रविष्टि हो गई। अब तीसरा जो है अंश प्रथम मांग खाता, यहाँ पर जो है 20 रुपये प्रति अंश के हिसाब से हैं, तो ये 12,000 अंश थे, 12,000 × 20, तो ये 2,40,000 रुपये जो है ये देय हो गए। अब बैंक में जो आए तो यहाँ बैंक में अब देखेंगे हम यहाँ पर कि 100 अंश कम प्राप्त हुए थे, 100 अंश जो पत्र जो हैं उन पर जो है प्रथम याचना और द्वितीय याचना की राशि हमें कम प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर जो है 20 रुपये के हिसाब से जो है 100 अंश पर 100 अंश क्या हो गए, कम हो गए। तो टोटल यहाँ पर जो हमें अंश प्राप्त हुए ये हुए आपके 11,900 × 20, तो ये बैंक अकाउंट में जो रकम आई 2,38,000 रुपये। तो यहाँ पर प्रथम मांग पर जो है मैं राशि प्राप्त करने पर ड्यू दिखाना है और ये हो गया अब आपका अंश द्वितीय एवं अंतिम मांग खाता। तो यहाँ हमने देखा कि हमें जो 2,40,000 रुपये प्राप्त होने थे उसके बिहाफ में चूंकि 100 अंशधारियों ने जो है हमें प्रथम याचना और द्वितीय याचना के पैसे कम दिए, तो यहाँ पर 12,000 माइनस जो है 100 अंशधारी कम है ये हो गया 11,900 जो है अंशधारी, इनसे जो है हमें प्रथम याचना और द्वितीय याचना की राशि प्राप्त हुई। अब यहाँ पर जो है द्वितीय याचना पर करने पर 10 रुपये के हिसाब से राशि प्राप्त होना है जिसमें से 100 अंशधारियों ने अभी नहीं दिया। तो ड्यू तो दिखाएंगे हम 12,000 का, तो यहाँ पर ड्यू में जो है 12,000 × 10 रुपये, ये 1,20,000 रुपये। अब बैंक खाते में जो रकम आ रही है तो यहाँ पर चूंकि 100 अंशधारियों ने नहीं दिया है याचना का, तो 11,900 × 10 रुपये ये आए 1,19,000 रुपये। तो यहाँ पर जो है अंतिम याचना की राशि प्राप्त हुई कितनी, 1,19,000। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी कभी ये भी होता है कि जिन अंशधारियों को हमने अंश आवंटित किए हैं
उनमें से कुछ अंशधारी ऐसे हैं जिनकी प्रथम याचना और द्वितीय याचना की राशि अप्राप्त रहती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम ड्यू में दिखाएंगे जितने अंशधारी थे, जितना ड्यू होना था वो पूरा दिखाएंगे, वास्तव में जो बैंक में हमें प्राप्त हुआ तो यहाँ पर हम उतना अमाउंट दिखाएंगे।